ये देखिए अगला मशीन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये 15 फीट मैक्सिमम रेंज काम करेगा। और ये देखिए सामने वाला लुक, अभी फिनिशिंग नहीं किया, जस्ट अभी सेट किया है इसको। ये देखिए ब्लिंकिंग ऑन वाला एलईडी ब्लिंक कर रहा है टाइमर के हिसाब से, और इधर एचबी का एलईडी है, ये स्विच देंगे तब जलेगा। फैन चल रहा है, बैटरी लगा दिया है मैंने, सेम टू सेम वो रिवर्स पोलर टीवी है, उल्टा लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने अभी लोड भी कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर 5 ट्यूब, और ये रहा स्विच, सेम टू सेम वही है इसमें भी। और देखिए मैं स्विच दे रहा हूँ, अभी आवाज़ आ रहा है, ऐसे आवाज़ करेगा ये मशीन, तो आप समझिए मशीन मेरा एकदम परफेक्ट है। और ये देखिए अब मैं, ये देखिए 5 ट्यूब जल रहे हैं, इसमें भी बढ़िया तरीके से जल रहे हैं, थोड़े से ही कम है वो मशीन से, क्योंकि वो तो इससे डबल आउटपुट है उसका, ये नीचे वाला मशीन इससे डबल आउटपुट है। अब मैं यहाँ पर देखिए 5 ट्यूब इसमें भी जल रहे हैं, थोड़े से कम जल रहे हैं, तो ये 15 फीट तक जाएगा मैक्सिमम रेंज। 5 ट्यूब कैसे जल रहे हैं देखिए, चल रहा है, अंदर का पार्ट देखिए, कितने बड़े बड़े हीटिंग मैंने यूज किए हैं इसमें, ट्रांसफार्मर इधर है, कैपेसिटर है, डायोड वगैरह सब है, सब क्लियर नहीं दिखता है। और यहाँ दो ट्रांसफार्मर है, एसडीआर डायोड, इधर ये देखिए सब आपको मैं दिखा दे रहा हूँ अंदर का पार्ट है। और मशीन चालू भी है, आवाज़ आ रहा है, उधर 5 ट्यूब जल रहे हैं। मैं बढ़िया से टेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो लोड लगा के, और आपको सिर्फ ख्याल रखना है कि आपका टेस्टिंग, आपको ख्याल रखना है, टेस्टिंग नहीं भी कीजिएगा तो आप सीधा पानी में चलाइए, पानी में टेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं 1000 वाट का ट्यूब लगा दिया हूँ एक पीस, और मैं अभी स्विच दे रहा हूँ इसमें, ये मैं वॉल्यूम घटा लिया, स्पार्किंग मार रहा है उधर लू जा, इसलिए देखिए वॉल्यूम घटा दिया है, सबसे लो में ये जल रहा है एक ट्यूब, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, देखिए ये भी वाइट जला रहा है एक ट्यूब को, एकदम फुल वोल्टेज दे दिया, देखिए कैसा आवाज़ आ रहा है, ठीक है, इसका भी बहुत अच्छा आउटपुट है, ठीक है। ये देखिए फैन चल रहा है, एचबी एलईडी चल रहा है, इधर ये चल रहा है, टाइमर एडजस्ट कीजिए, ये देखिए ये इसमें ऊपर वाला टाइमर है, नीचे वाला लिख दिया है, बोले कितना अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया आउटपुट है इसका भी। तो आप लोग बल्ब वगैरह मत लगाइए, खास करके 100 वाट के बल्ब तो एकदम ही लगाना नहीं है, क्योंकि 100 वाट का बल्ब एकदम जैसे झट से स्विच दीजिएगा फट से कट जाएगा, और वो रिटर्न होके वोल्टेज अंदर जाएगा और एसी आर वगैरह खराब कर सकता है, शॉर्ट कर सकता है, क्यों हाई वोल्टेज है ना, इधर उधर फायरिंग मार देगा तो वो खराब होने का चांस रहता है। तो इसीलिए आप पानी में सीधा चलाएं, पानी में ही चलाएं, पानी में टेस्ट करें, पानी में नहीं चलेगा तब आपको मुझे फ़ोन करें कि ऐसा ऐसा बात है, टेस्टिंग में आपको नहीं करना है टेस्टिंग वगैरह। हाँ आपके पास अगर 1000 वाट का इस तरह ट्यूब वगैरह है, 500 वाट कम से कम है, तो वो आप टेस्ट लगा सकते हैं, अन्यथा कोई भी चीज़ आप इससे टेस्ट ना करें, सब खराब कर देगा और मशीन भी खराब हो सकता है। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही है, और आपको मशीन वगैरह चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप है, नंबर दे देता हूँ, उसे में कॉन्टेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। और मशीन बनाने के मैं पहले ही ऑर्डर में ही कोई भी मशीन लीजिए, मेरे पास 6 से 32 फीट तक का मशीन है, तो 50% मैं पहले ही आपसे पेमेंट ले लूँगा, ताकि मुझे भी सामान खरीदने में आसान हो, और 8-10 दिन में आपको बना के रेडी कर दूंगा, और आप फुल पेमेंट दे दीजिए, फिर मैं आपका मशीन आपके एड्रेस पे डिस्पैच कर दूंगा, अब तक आ जाएगा मशीन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डाउट वाली बात नहीं है।
आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, एक बार डील करके देखें। बहुत सारे भाई बोलते हैं आएगा नहीं आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र होके आप पे भरोसा कर सकते हैं। मेरा कोई ऐसा कोई इरादा नहीं है किसी को ठगने का। चलिए फिर आज का वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो को इंतज़ार करते हैं।